देखो देखो आज मैं किसके बीच बैठा हूँ, दो दो नमूने, यहाँ पे आरसीबी और यहाँ पे सनराइजर्स, और साले तूने तो सनराइजर्स की जर्सी भी नहीं पहनी है, क्या फैन बनेगा भाई तू? क्या कर रहा है? बस कर दे, ज्यादा बज मत। साले तू मुझे बोल रहा है, याद है तू उस दिन कितना बजा था? तू भी सुन। तेरा भाई आज पार्टी दे रहा है, पार्टी ये। क्यों, क्या हुआ? अबे भाई CSK टॉप पे, इतनी खुशी हो रही थी मुझे, और इतनी खुशी होती है तो यार किसी ना किसी के साथ तो बांटना चाहिए, और तुझसे अच्छा और कौन हो सकता है, इसके लिए तुझे कॉल कर दिया मैंने। भाई तुम लोग भी कुछ करो यार, कब से हार रहे हो। चल भाई रखता हूँ। टेबल टॉपर्स ये। क्या हुआ भाई, सो रहा था क्या? उठ जा। क्यों बे? क्योंकि टेबल टॉपर तो अब कोई और है। कौन? वो तो बाहर जाके देख ले। तो तू है टेबल टॉपर। प्रेजेंटिंग टू यू द न्यू टेबल टॉपर्स RCB। अबे रुक, ये संडे को ना अपना ही मैच है, वो डिसाइड करेगा कि कौन है टेबल टॉपर। फिर देखते हैं क्या करोगे तुम विराट के बंदे। विराट के बंदे शोर करेंगे, क्योंकि बेटे टेबल के टॉपर तो हम ही रहेंगे। साला इतना पटेली मार के गया और लास्ट में मैच में जाके इतना गंदा हक दिया तुम लोगों ने। भाई पर 3-4 मैच बुरा क्या खेल के सब लोग असली RCB को भूल गए बे। बट नाउ द रियल RCB आर बैक इन फॉर्म, 122/9 द रियल RCB इज बैक। अबे तू क्यों हंस रहा है बे? तूने भी तो मैच के पहले बहुत कुछ बोला था, याद दिलाऊं? चल माना तुम लोगों ने RCB को हरा दिया और टेबल टॉपर बन गए, पर तुम लोगों को पता है ना कि RCB ने DC को हराया, फिर वापस टेबल टॉपर बन गए वो लोग। हाँ तो क्या हुआ, उन्होंने 6 मैच खेला है और हम लोगों ने तो सिर्फ 5 मैच खेला है, तो हम लोग भी अगला मैच जीतेंगे और फिर वापस टॉप में आ जाएंगे। जीतने का तो चांस ही नहीं है बेटा। क्यों बे? क्योंकि तुम लोग का मैच सनराइजर्स के साथ है, समझा? तो क्या हुआ? तो क्या का क्या मतलब, हम लोग का बॉलिंग लाइनअप इतना स्ट्रॉन्ग है ना, और ऊपर से तुम लोग के वांखड़े वाले मैचेस खत्म हो गए, इसका मतलब है कि तुम लोग को बैटिंग पिचेस भी नहीं मिलने वाले अभी। उससे क्या फर्क पड़ता है ब्रो? फर्क पड़ता है ना भाई, क्योंकि सबको पता है बेस्ट बॉलिंग लाइनअप वाला टीम हमारा है, और T20 में टेस्ट क्रिकेट खेलने वाला टीम तुम्हारा है। तुझे तो मैच के बाद देखता हूँ। Go 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 go
साले क्या बोला तू, हम लोग टेस्ट मैच खेलते हैं, तुम लोग के वार्नर ने आज क्या किया, 55 बॉल्स पे 57। आ गया बड़ा बेस्ट बॉलिंग लाइनअप। तुम लोग का बेस्ट बॉलिंग लाइनअप ना ऋतुराज और फाफ डुप्लेसिस का 100 रन का पार्टनरशिप भी नहीं रोक पाया। देखो भाई सीधी बात है, तुम लोग दोनों टीम्स को ना हमने बहुत कंफर्टेबली हराया है। चल भाई ज्यादा गुस्सा मत हो, तुम लोग जो टीम के सामने हारे हो ना उनके साथ तुम लोग का हेड टू हेड रेशियो पहले से खराब है। और तुम लोग क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो, तुम लोग भी जो टीम के सामने हारे हो ना उनके साथ तो 2018 में 4 बार लगातार हार चुके हो। ज्यादा बज मत, तुम लोग का जो नेक्स्ट मैच है ना वो तो तुम लोग पक्का जीतने ने वाले। क्यों बे? क्योंकि भाई जिस टीम के साथ तुम लोग खेलने वाले हो ना उस टीम के साथ हेड टू हेड तुम लोग का बहुत खराब है भाई। कौन? और वो टीम के सामने 2019 में 4 बार लगातार हारे भी हो तुम लोग। अब तो समझ गया ना हम किसकी बात कर रहे हैं। लोहा गला देंगे, पानी जला देंगे। और अब किसी भी टाइम तुझे उसका कॉल आ सकता है। किसका? मुंबई इंडियंस का। सीएसके आली रे आली आता तुझी बारी आली। बहुत जीत गए तुम लोग, हाँ अब तुम लोग को धरती पर लाने का टाइम आ गया है, तो फिर हो जाए एल क्लासिको। गेम ऑन।